आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा? आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें दो चार लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा। क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे। आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूँ। दुकानें तो खुली हुई है, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं, वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। और दूसरी चीज, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा। और दिल्ली के लोगों ने आज तक बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। सबसे बड़ा काम तो पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था, जब डेंगू को हराया था। आप लोगों ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगू को हराया था। पिछले साल 1,500 केस हुए थे और एक भी मौत नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। गजब का काम करके दिखाया था। अब हमें कोरोना को हराना है। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना, ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं। अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीजों का ख्याल रखना। हर हालत में मास्क पहन के रखना जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। और तीसरी चीज, अपने हाथ हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बचोगे। आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा, ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा।